Good evening, Aditi. Good evening, Kusi. Good evening, everyone. Business. Good evening, everyone. Okay, so dear students, as you know, we have completed two lectures of narration, right? हमने अभी तक दो लेक्चर जो है नरेशन का कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं. ओके, नाउ वी हैव टू सी टुडे द थर्ड लेक्चर ऑफ नरेशन. ओके, और आज जब हम पढ़ेंगे इस थर्ड लेक्चर को तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट हाफ ऑफ द नरेशन वी हैव कवर्ड. ओके, हाफ ऑफ द नरेशन वी हैव कवर्ड मतलब कि नरेशन का फुल आपका पार्ट है उसका हमने हाफ ऑफ द नरेशन कवर कर लिया है. ओके, और इसके बाद क्या करना है आप सभी को, यू हैव टू मेक सो मेनी क्वेश्चन. आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है इसके बेसिस पर एंड आस्क वेयर एवर यू हैव प्रॉब्लम. जहां कभी ही अरे बस समझ में, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो देन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो. ओके, सो दैट विल हैपन. गुड इवनिंग एवरीवन. अपूर्वा, आयुषी. ओके, नाउ फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. अरे बाद में समझ में सभी को तो देखते हैं. सो बेसिकली इफ वी रिवाइज एंड रिकॉल द टू लेक्चर्स व्हिच वी हैव वॉच्ड एंड ऑलरेडी रेड. ओके, जो हम लोग दो लेक्चर को पढ़ चुके हैं. ओके, देख चुके हैं. अरे बात सभी को समझ में, आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको रिकॉल किया होगा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया होगा. राइट एवरीवन, इज इट राइट और नॉट? क्या आप सभी ने क्वेश्चन उस पर बनाया है? टेल मी. यस सर. हाउ मेनी पीपल हैव डन? कितने लोगों ने किया है ऐसे? टेल मी, बताइए आप लोग तो कितने लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है. नकद फिरदौस, साकेत, वेरी गुड. ओनली सिक्स स्टूडेंट्स, एट. देयर आर आई थिंक 33 स्टूडेंट्स, राइट? ओनली 10 एंड 11 पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स, और उन लोगों को छोड़कर 12. लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर completed homework and they have done. Saket, Apurva, Yus, Ayus, Astha, Nakhat, Rajnesh. Very good, very good. Aditya, Amrit, Taliska, Nikhil. Only 13. Resty do it sir. Okay, चलिए तो आप लोगों ने किया, वेरी गुड. और जिन लोगों ने नहीं किया है होमवर्क को, जिन लोगों ने क्वेश्चन को नहीं बनाया है अपने से, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जैसे लेट मी आस्क टू समीर. समीर, आपने क्यों नहीं बनाया है? समीर, बताइए. समीर, ओके, डाउट से लास्ट में सृजा, हम उसको कवर करते हुए चलेंगे. ओके, जहां पे भी आपको डाउट्स होगा वे विल कवर दिस ऑल थिंग्स. ओके, हमारी बात समझ में, उसको हम लोग देखेंगे. Samir is saying that I have no mic to tell. Okay, have you done your homework or not? You can text it. क्योंकि जो जो क्वेश्चन को करेंगे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अरे बात समझ में, और धीरे धीरे अब आप लोगों का क्या हो रहा है, लेवल हाई होते जा रहा है. ओके, और बेसिकली क्या था कि वो जो आपको चेंज करने आना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन को, आप कैसे चेंज कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन. अगर वो आपका क्लियर हो गया देन आफ्टर दैट देयर आर सम रूल्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव टू मेक, जिसको हमें याद रखना है और आफ्टर दैट हमें बना देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जनरली जो प्रॉब्लम होता है, जो मैंने स्टार्टिंग का क्वेश्चन में बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवाया था, मैंने बताया भी था, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या ऑब्जेक्ट को पहचान कर चेंज करने में होता है ना प्रॉब्लम. क्या अभी भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है? ऑब्जेक्ट को पहचान कर, सब्जेक्ट को पहचान कर, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करने में किन किन को प्रॉब्लम हो रहा है? तो आप अपना रेज हैंड कीजिए. तो नो सर, नहीं हो रहा है. यू सी, वेरी गुड. किन किन को प्रॉब्लम हो रहा है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन रेज योर हैंड. अभी सभी कोई का हैंड डिक्रीज हो रहा है. अच्छा, किसी को नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. अ लिटिल सर. सृजक, कहाँ पे हो रहा है आपका प्रॉब्लम?
किस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है सृजा, पूछिए तो आप। सृजा को हो रहा है तो सर सृजा से बात करते हैं। सर पॉजिटिव के वाला सर जो था वो समझ में नहीं आया सर, इस वजह से जो दो तीन क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब नहीं हो रहा है, तो वो एक दो क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। श्रेया, श्रेया आपको क्या प्रॉब्लम है? श्रेया आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। यस सर। आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास ना श्रेया। यस सर। ओके, सो सी दैट यू विल अंडरस्टैंड आल्सो ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम, सर मैंने टेंस से एक क्वेश्चन सेंड किया था, वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। ओके, हम लोग उसके बारे में भी के लिए बात करेंगे। राइट नाउ वी आर रीडिंग नरेशन, सो वी हैव टू टॉक अबाउट नरेशन। ओके ओके, तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो श्रेया को प्रॉब्लम हो रहा, आई मीन सृजा को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो जो प्रॉब्लम है दैट इज इन पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट सृजा? चलिए थोड़ा सा देखते हैं उसको भी क्लियर करते हैं हम लोग थोड़ा सा देखकर, और जहां पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा दैट विल बी टुडे सॉल्व, आज वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पॉजेसिव केस के बारे में क्या बताया, जो आपका क्या बताया, पोजेशन को बताया, राइट को बताया, राइट एवरीवन, पोजेशन को बताया, राइट को बताया, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव केस। उसे हम क्या कहते हैं, पोजेसिव केस कहते हैं। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन, ऑनरशिप और बिलोंगिंगनेस। ओके, मैंने एग्जांपल भी देके बताया था, सिर्फ आप समझिएगा ध्यान से, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ध्यान से समझना है इस वर्ड को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉजेसिव केस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। देखो जब हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉजेसिव केस, जब कभी भी हम लोग पॉजेसिव केस की बात करते हैं, ओके, पॉजेसिव केस इट मीन्स व्हाट, ये क्या है, तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास केवल सेलफोन ही है, ओके, सो आई विल गिव ओनली द एग्जाम्पल ऑफ सेलफोन। अरे बात समझ में, ये आप सेलफोन देख रहे हो, अगर ये मैं बोलता हूँ ये सेलफोन मेरी है, तो किस वर्ड से मालूम चलता है कि ये मेरा सेलफोन है, किस वर्ड से मालूम चलता है कि ये सेलफोन मेरा है, माइन, वेरी गुड, या माइन, ओके ना, वेरी गुड। तो माइन या वाई वर्ड का जो आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम, ये बता रहा है कि ये मेरा जो सेलफोन है इस पे अधिकार किसका है, मेरा है। यानी वो ऑब्जेक्ट जिस पर किसी के राइट के बारे में मालूम चले, या कोई उसका ऑनर हो ये मालूम चले, इस चीज को दर्शाता हो, इंडिकेट करता हो, ठीक है ना, या आपके अधिकार को दर्शाता हो। यानी जब सेलफोन मेरा है तो इस पे मेरा अधिकार है ना, इस पे मेरा राइट है ना कि मैं इस सेलफोन को किसी को भी दे दूं। क्या आप अपने फादर का सेलफोन उठाकर किसी और को दे सकते हो? टेल मी एवरीवन, यस और नो, कितने लोग दे सकते हैं पहले ये बताओ। नो सर, सभी बोल रहे हैं नो सर। ओके, नेवर सर, आसू बोले नेवर सर, बिल्कुल नहीं, साकेत बोल रहे, वेरी गुड, नकद नो सर, अनन्या नो सर, ओके वेरी गुड। तो समझना, खेल खेल में इस बात को हम लोग समझते हैं। सृजा दे सकते हैं सर, ठीक है, एक काम करना सृजा, दिस इज अ वर्क फॉर यू, मेरे पास सेलफोन नहीं है, ओके, यू हैव टू गिव मी, एक गिफ्ट कर दो सेलफोन। ओके गुड सृजा, अब देखते हैं सृजा हमको कल, ठीक है, सेलफोन देती है या नहीं देती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। ओके एवरीवन, प्रयास बोल रहे कभी नहीं, ओके, यानी समझो इस बात को समझो, पॉजेसिव केस की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये वो नाउन जो किसी के अधिकार को बताए, ठीक है ना, जिस पे किसी का अधिकार, उस नाउन पे किसी का क्या हो, राइट हो, पोजेशन को बताए, अधिकार को बताए, ऑनरशिप को, मालिकाना हक को बताए, ठीक है ना, या उससे वो सामान बिलोंग करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोजेसिव केस कहते हैं। ओके,
तो मैंने बोला कि पोजेसिव केस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। एक क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक दूसरा क्या होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके तो हम अब उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि आप देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन है ये नॉमिनेटिव केस आई वी ये सब सभी को मालूम है। सेकंड पर्सन क्या होता है यू, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। इफ वी टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट पर्सन देन आई इज हियर सिंगुलर। आई क्या बताता है सिंगुलर को बताता है ठीक है ना, और वी क्या है इसका फर्स्ट पर्सन का प्लुरल फॉर्म है। गेटिंग एवरीवन? ओके जब हम यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेकंड पर्सन दैट इज यू, ये क्या है इट टेल्स अबाउट इधर सिंगुलर और प्लुरल दोनों को बताता है ठीक है ना। गेटिंग एवरीवन? थर्ड पर्सन ही सी इट ये आपके सिंगुलर फॉर्म को बताता है थर्ड पर्सन के, और देखिए इसको बताता है प्लुरल फॉर्म को बताता है। अरे बस बने बट अभी हम लोग को जो देखना है इसमें क्या देखना है पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने क्या बोला जनरली आप चाहो तो इसे याद भी कर सकते हो या इसको आप बना भी सकते हो ठीक है ना, इसको आप अपने माइंड में भी रख सकते हो या अगर आपसे चार्ट याद हो जाता है तो सिंपली इसको चार्ट को याद कर जाओ, बहुत सिंपल है याद करने में भी। क्योंकि आई आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है मी होता है, दैट इज एट द लास्ट कॉर्नर यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में है साइड है। ओके एवरीवन तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ठीक है, तो ये आपका मी ऑब्जेक्टिव केस है मी अस यू कैन सी दैट। आ रही बात समझ में? ये सब आपका क्या है यू हिम ही हर इट ओके देम दिस ऑल आर ऑब्जेक्टिव केस। ओके ये सब सारा क्या है ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप इसे, तो बहुत सिंपल है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे देखो हेयर इज पोजेसिव प्रोनाउन एंड हेयर इज पोजेसिव एडजेक्टिव। अरे बात समझ में? यहाँ पे आपका क्या है तो पोजेसिव एडजेक्टिव और यहाँ पे क्या आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। अरे बात समझ में? तो माई माई पोजेसिव एडजेक्टिव आपका माई पोजेसिव प्रोनाउन माई। ओके वैसे ही वी आवर आवर्स ठीक है, ये आवर क्या हो गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया और आवर्स क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही योर देखते हो आप लोग योर ये आपका क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है एंड दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे ही मैंने सारा कुछ आपको बताया है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको समझने में तो काफी डिटेल तरीके से और एक्सप्लेनेशन तरीके से मैंने आपके ठीक है प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में नरेशन के लेक्चर में मैंने बताया है, आप उसको देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड वे। ओके जाहिर सी बात होती है कि सारा कुछ एक बार में समझ में नहीं आता है। ओके सो यू ऑल आर गेटिंग वीडियोस। ओके आप लोग को वीडियो भी मिल रहा है सो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होता है आप थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करके यू कैन अंडरस्टैंड समझ सकते हो इस चीज को, दिस इज नॉट हार्ड। अरे बस समझ में ना, ये टफ नहीं है हार्ड नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है। ये तो हो गया आपके अकॉर्डिंग टू आप जो गेट बाय हर्ट करते हो रट्टा मार कर याद करते हो। अरे बात समझ में ना? गॉट इट वेरी वेल सर सृजा वेरी गुड। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं सृजा, इसके क्वेश्चन को देखो। व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन आई थिंक यू आर फेलिंग प्रॉब्लम राइट। अरे बात समझ में ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस सब समझने में तो थोड़ा उसको देखते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी तरीके से बताया था आप सभी को ठीक है कि इट इज वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज इधर इट इज पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। एज आई टोल्ड इन योर प्रीवियस क्लास गाइज द सेम थिंग आई एम सेइंग ठीक है ना, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बोला था आज भी मैं वही सेम चीज आपको बता रहा हूँ। ओके एवरीवन क्या तो आपको जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव ओके जो पॉजेसिव केस को बताया सबसे पहले नॉट पॉजेसिव एडजेक्टिव हियर और नाइदर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजेसिव एडजेक्टिव नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड जो आपके पॉजेसिव केस को बताया। पॉजेसिव केस यानी कि क्या, किसी के हक को बताया किसी के राइट को बताया किसी सामान पर ठीक है। तो जो पॉजेसिव केस वाला जो वर्ड होता है अंडरस्टैंड क्लियरली गाइस, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव सॉरी जो पॉजेसिव केस वाला जो वर्ड होता है ओके जो पॉजेसिव केस वाला जो वर्ड होता है अगर उसके बाद तुरंत आपको नाउन देखता है तुरंत बाद इफ यू आर गेटिंग नाउन देन दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसे हम क्या बोलते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अरे बात समझ में? जब क्या मिले जो आपका वर्ड पोजेशन को बताए। अरे बात समझ में ना?
पोजेशन को दर्शाए और उसके तुरंत बाद क्या हो, नाउन हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, नाउन हो, तो पोजेसिव एडजेक्टिव को बताता है। और जहां पर जो पोजेशन को वर्ड बताए और उसके बाद कोई नाउन नहीं रहता है, दैट टेल्स अबाउट, वो किसको बताता है, तो पोजेसिव प्रोनाउन को बताता है। Here are some examples which we have to see. देखिए यहाँ पे कुछ example है जो हम लोग को देखना है, that will clear. तब देखो, this is my book, as I told you. मैंने जैसे बोला आप सभी को, this is my book. तो यहाँ पे देखो my है और my के बाद क्या आपका noun है, here is my and after that noun. So my is here, possessive adjective. My क्या आपका possessive adjective है, चलो देखते हैं चार्ट में, my क्या आपका possessive adjective है, ये देखो तो possessive pronoun, ये possessive adjective. अरे बात समझ में ना, क्लियरली समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे ये बताया ना कि पोजेसिव केस के दो टाइप्स होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, इसलिए ये स्लैश है। अगली बात समझ में ना, ये नहीं समझना कि पोजेसिव एडजेक्टिव को ही हियर दैट इज कॉल्ड आल्सो पोजेसिव प्रोनाउन, ना ना ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखो फिर से बताया पोजेसिव प्रोनाउन करके, क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था, हम लोग रिकॉल भी कर रहे हैं, सो डोंट बी पैनिक, ओके। और क्लास में सभी कोई को रहना है, वी आर हियर 41 इंक्लूड मी, मेरे को लेकर हम लोग यहाँ पर 41 है, तो लास्ट तक क्लास के इधर 6 o'clock 7 o'clock ओके वी हैव टू बी टुगेदर, हम लोग को टुगेदर रहना है। अरे बात समझ में ना, एक साथ सबका साथ सबका विकास, ठीक है? तो चलिए, यस सर देखना है सभी को, वेटिंग फॉर ऑल, ठीक है? आज सब खालो कसम की पूरी रात पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज एक नया क्रांति लाएंगे। अब कुछ बोलेंगे कि सर कुछ ज्यादा हो गया, अपूर्वा बोले यस सर, सर 1 बजे तक, श्रीजा तू है ना? नो सर, अपूर्वा बोल रही है नो सर। अच्छा कुछ ही बच्चे बोले न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे, हाँ हाँ न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे, कल 5 बजे तक हद है साकेत। अच्छा चलो कम से कम एटलीस्ट ना हो, हम लोग जो 90 मिनट से हम लोग का क्लास उसको कम से कम अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम लोग कि और कितना देर, याद रखना न्यू रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है ना? हमें तो आज का क्लास चलेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स कंटिन्यूसली 24 आवर्स, ओके ओके, एक दिन रख देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा अभी मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो कुछ काफी ज्यादा वर्क है थोड़ा सा घर को लेकर, ओके। अदरवाइज कभी संडे को हम लोग पढ़ते हैं और टेंस का फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, रिकॉल करेंगे, जितना कुछ भी हम लोग पढ़े हैं फिर से एक बार टेंस को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से संडे को, और 2-3 घंटे का क्लास चलाएंगे, ठीक है? गेटिंग एवरीवन, फिर से हम लोग को टेंस को एक बार पढ़ेंगे। अरे बात समझ में ना, तो वैसे ही कर करके जितना भी आप लोग का ग्रामर का सेक्शन है, संडे को संडे मेरे को टाइम मिलने दीजिए थोड़ा, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन टाइप का क्लास चला देंगे, बस आप लोगों का साथ रहना चाहिए उस क्लास में, ओके। चलिए तो अभी हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? तो दिस इज माई बुक, और सभी को पढ़ना है, ये नहीं कि हाँ सर स्टार्ट कर दिए उसके बाद सारे बच्चे गायब। हाँ यस, दिस संडे देयर इज टेस्ट विच यू ऑल हैव टू गिव, सभी को देना है। यस एवरीवन हैज टू गिव द एग्जामिनेशन, यस एवरीवन। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन क्लियर हो रहा होगा आपको समझने में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? कीप योर सेल्फ विथ नोटबुक एंड पेन, सभी को ही अपने पास नोटबुक और पेन रखिए, तो और मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको थोड़ा आप लिखिए, लिखिए आप सभी, आप इस क्वेश्चन को आप सभी लिखिए, राइट दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलिए लिखिए, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ओके? चले लिखिए। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी,
आई एम योर फ्रेंड, चलिए इसको बनाइए आप लोग, आई एम योर फ्रेंड। थोड़ा सा इसमें सभी कोई मेंशन कीजिए, तो ही क्या है आपका, ही क्या है, ही के बारे में बताइए, वैसे ही आप लोग मी के बारे में बताइए, वैसे ही यहाँ पे आई, मैंने ये भी बताया था ना आप सभी को कि जो ये आपका इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहता है, वी हैव टू फाइंड ओनली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, राइट एवरीवन, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट दैट सेंटेंस व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कोमा, हियर वी हैव टू ओनली सर्च फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज करना है, ओके तो थोड़ा सा चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को डील कीजिए, यहाँ पे मैंने ही की जगह पे क्या कर दिया, सी कर दिया, एंड मेक दिस क्वेश्चन, Srija, you have to make and try to make me understand whether you are getting or not the difference between possessive adjective and possessive pronoun. Srija, आप ही को बताना है. She is my friend, Srija. Now, very good. कौन है? अपूर्वा, फिर आपका wrong हुआ. अपना कोशिश नहीं करी हो अपूर्वा, कैसे रॉन्ग हो गया आपका अपूर्वा, आपका रॉन्ग है, ध्यान से देखो तुम, एक दिन पूरा क्वेश्चन करवाना, यस माय फ्रेंड, एक दिन पूरा क्वेश्चन उनको लग रहा है इस पे करवाना पड़ेगा, प्रियांश गौतम क्या बोल रहे हो, ओके वेरी गुड, तो देखिए ये आप लोगों का क्लियर हो गया, तो चलो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, वी हैव कवर्ड दैट, हमने अभी तक दो टाइप पढ़ा था, उसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ड, ओके रिपोर्टिंग वर्ड किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच व्हाइल मेकिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब कभी भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ओके एवरीवन, और जब हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो उसके टेंस में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते, मैंने ऐसा आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था, टेल मी एवरीवन, बताया था ना, After that we have read. उसके बाद हमने पढ़ा, दूसरा भी इसका केस पढ़ा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में रहता है, किसमें रहता है, पास्ट टेंस में रहता है, we have also read about that. चलिए मेरे को मैसेज करके बताइएगा, I have to see the answer. मेरे को आंसर देखना है, who is going to give first answer? Okay. So यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे, कंप्लीट किए थे, तो वहां से पूछना स्टार्ट होता है आप सभी से, एंड यू पीपल हैव टू गिव आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, आर यू रेडी एवरीवन? Are you ready for giving the answer of my question? Be energetic, guys. Okay. जिसको नींद लग रही है वो फेस पे पानी मार ले, या मेरे साउंड से, मेरे आवाज से आप लोग एनर्जेटिक हो जाइए. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूछना, देखते हैं कौन बताता है. बहुतों ने बोला है यस सर, ओके सर, आई एम रेडी. सो चलिए देखते हैं. पहला मैंने बोला था, ठीक है, क्या जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट टेंस, अगर सपोज कीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सारा प्रेजेंट टेंस का है, वो किस में क्रॉसपॉन्डिंग में चेंज हो जाता है, गिव मी आंसर, किस में चेंज हो जाता है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड ऑल रिपोर्टेड स्पीच, ओके, विल चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, किस में चेंज हो जाएगा अगर वो प्रेजेंट में है तो, रॉन्ग हो गया आपका Srija, प्रेजेंट में चेंज होगा, Srija आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, गड़बड़ बात है Srija, अपूर्वा वेरी गुड, श्रेया राठौर वेरी गुड, क्रॉसपॉन्डिंग पास्ट टेंस, दृष्टि सभी का आंसर राइट है एक्सेप्ट Srija हियर, अरे बात समझ में Srija, समझ अब समझ में आ रही है आपको, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है आपको आई थिंक, चलो फिर दूसरा मैंने क्या बोला था, रिमूविंग इन्वर्टेड कोमा, बट वी हैव टू यूज इन्वर्टेड कोमा को हटाकर बाय मेकिंग इट इन डायरेक्ट स्पीच, बट श्रेया वेरी गुड, साकेत वेरी गुड एवरीवन, अनुष्का अपूर्वा यू आर लेट टुडे, अनुष्का यू आर गिविंग वेरी लेट रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन,
बी फास्ट खुशी बी फास्ट बिकॉज ओनली टू गाइज हैव गिवन एट द सेम टाइम आंसर एंड दैट इज श्रेया राठौर एंड समीर। थोड़ा सा अपूर्वा आप लोग पहले रिप्लाई करो। ओके तो चलिए इनवर्टेड कॉमा घोटा के हम लोग किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने क्वेश्चन देखा था। अच्छा चलो अब देखते हैं एक और चीज, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में रहता है, व्हाइल मेकिंग इट इनडायरेक्ट स्पीच जो रिपोर्टिंग जो हमारा होता है जो इन्वर्टेड कोमा से घिरा रहता है इनक्लोज्ड रहता है उसको हम किस में चेंज करते हैं ये बताओ। सिंपल पास्ट में रहता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय समीर गड़बड़ हो गया आपसे। भागवत प्रसाद ये कौन है भाई, पास्ट परफेक्ट में वेरी गुड। सृजा कहाँ दिमाग है, फिर आप करो प्रेजेंट में कैसे होगा, प्रेजेंट में कैसे होगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया था आप सभी को, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो तो यही पे था ना, एज अ रूल द सिंपल पास्ट इन द डायरेक्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट इन द इनडायरेक्ट। एज अ रूल द सिंपल पास्ट इन द डायरेक्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट इन द इनडायरेक्ट, ठीक है ना। किसमें बदल जाता है, हाँ दृष्टि मैंने बताया था, सारा कुछ मैंने बताया था तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो देखो ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ठीक इसमें चेंज हो गया, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बताया था ना आप सभी को। अब चलिए ये देखिए, he said I fought with a tiger, he said I fought with a tiger, अब ये क्या हो जाएगा, he said that he had fought with a tiger। देखो तो I fought ये verb का second form है, is it a second form of verb or not, tell me everyone, क्या ये verb का second form है या नहीं है बताइए आप लोग, है ना, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस सर वेरी गुड, आप वेरी गुड, अपूर्वा कुसुम दृष्टि वेरी गुड एवरीवन। तो ये आपका है, ठीक है, he said that the horse had died in the night, okay? तो ये आपने देखा कि ये है आपका, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को देखते हैं, he said I fought with a tiger, he said I fought with a tiger, he said I fought with a tiger। अब देखना he said ये पास्ट में है और ये भी आपका पास्ट में है, ये भी आपका पास्ट में और ये भी आपका पास्ट में, आई फाउंड विद अ टाइगर। अब इसको हम देखते हैं तो ही, ओके एवरीवन, मैंने ये भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड किस में चेंज होता है, मैसेज भी फास्ट, फास्टली यू हैव टू मैसेज दिस, और जल्दी से मैसेज कीजिए आप लोग। सेड किस में चेंज होता है, सेड में, समीर वेरी गुड, अनुष्का दृष्टि या वेरी गुड एवरीवन, तो सेड सेड ही में चेंज होता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो सेट सेट में ही सेट इन्वर्टेड कॉमा होता है, आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड दैट, हुआ ना। अब देखो ये आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू होम, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। और पास्ट परफेक्ट का मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था सृजा, बताओ तो आप मेरे को, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट सृजा, I am asking this question to you. Okay, today the health of Sreja is not good. I know that. Okay, so let me ask the same question to Drishti. Drishti, आप मेरे को बताओ. Drishti, आप मुझे बताइए. बताइए तो आप लोग. Yes, Drishti. Unmute करें. चलिए बोलिए. Yes, sir. Subject plus had plus verb 3 plus object. चलो ठीक है बहुत अच्छा, जब ये बता दी तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी बता दो। यस सर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सेंसिया फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, तो देखिए ये हमारा जनरली क्या था, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके काफी दिन हो गया था इसको, लेक्चर को थर्ड लेक्चर को आपको पढ़ाने में, दैट्स व्हाई मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो द नेचर ऑफ एवरीवन, ओके मैं सभी के बारे में जानता हूँ, कुछ ना तो कुछ टाइम भी है ना। अच्छा ठीक,
चलिए तो हमने देखा यहाँ पे he said that he had fought with a tiger. Okay everyone, चलिए तो यहाँ तक हमने देखा. मैंने ये भी बताया था कि जब फ्यूचर में आपका रहता है तो फ्यूचर में जनरली क्या चेंज करना रहता है, विल को और सेल को. ठीक है, विल जनरली किस में चेंज होता है, वुड में, और सेल किस में चेंज होता है, शुड में. बट अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो देखो, दे सेड वी शैल हैव डन आवर जॉब, दे सेड वी शैल हैव. तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका क्या हो, पास्ट टेंस में हो, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है. यस, रिपोर्टेड स्पीच की चर्चा करते हैं. ध्यान से सुनिए, जिनका दोनों क्लास अब्सेंट हुआ था वो ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, ठीक है ना, एकदम ध्यान से. अभी तक 41 है, वेरी गुड. आज किसी का नेटवर्क गड़बड़ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी की बात है, बधाई हो आप सभी को. बट रुकना है लास्ट तक. ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पे, दे सेड, मैंने क्या बोला यहाँ पे, दे सेड, और उसके बाद क्या आपका इंपॉर्टेंट कॉमा से स्टार्ट होता है, वी शैल हैव डन आवर जॉब. तो वी क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, आफ्टर दैट ये शैल है, हैव है, डन है, आवर जॉब. अब जब इसको बनाएंगे तो इसमें मैंने पहले देखा कि इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड. उसके बाद बोलेंगे आप यहीं पे रहिए, शांत रहिए, खामोश रहिए. तो देखिए, दे सेड इनवर्टेड कॉमा आउटा, मैंने यहाँ पे यूज किया दैट का. अब ये मेरा क्या है, तो मेरा वी, वी के साथ जनरली फॉर्म में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ. क्या शायद मैंने ऐसा आपको पढ़ाया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, टेल मी एवरीवन. जब हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े थे उसमें हमने इसको देखा था. ओके, तो वी शैल हैव डन आवर जॉब. ओके, तो देखो यहाँ पे वी शैल हैव डन आवर जॉब, तो वी क्या है हमारा, तो फर्स्ट पर्सन है. इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट पर्सन लिखिए, शैल हैव डन आवर, आवर क्या है, तो आवर भी आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है. राइट सृजा, सृजा राइट, आपको यहीं पे प्रॉब्लम था, सो बोलो यस और नो. सृजा यस और नो, टेक्स्ट द मैसेज. तो अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, देखो कैसे चेंज होगा, ठीक है ना. फर्स्ट पर्सन का क्या है सृजा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये मेरे को बताओ. चलो देखते हैं, तो दे सेड इनवर्टेड कॉमा हटा, हमने यूज किया दैट. अब देखो वी क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू आवर की चर्चा की है श्रीजा मैंने. ओके, श्रेया ने बताया, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया. ओके, तो देखो यहाँ पे वी जो है हमारा, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है. ओके एवरीवन, तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो ये क्या हो जाएगा, दे, दे के साथ. अच्छा, अब एक मेरी को बात बताना, यहाँ पे तो था सेल, ध्यान से समझना, इस बात को मैंने क्लियर भी किया था. यहाँ पे तो है मेरा सेल, बट मैंने बताया आपको सेल किसने बताता है, सुड में. लेकिन यहाँ पे तो वुड में कैसे चेंज हो गया, आप तो बोलोगे ना सर ये तो धोखा है, बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलोगे सब ना कि सर आपने तो बताया सेल सुड में चेंज हो जाता है, लेकिन ये वुड में कैसे चेंज हो गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन देगा. मैंने प्रीवियस क्लास में ये सारा कुछ बताया था. दो टो हैंड रेज है, देखते हैं किस किस का है, बताओ. अक्षर सर, यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन है जो कि दे के हिसाब से बदल जाएगा, यानी कि दे हो जाएगा, और दे के साथ हम विल लगाते हैं इसलिए वुड लगाएंगे. वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या आप सभी एग्री हैं अक्षर के बात से, आर यू एग्री एवरीवन, थोड़ा सब एग्री हैं तो आप एक बार मैसेज कर दीजिए तो मेरे को, और जो लोग एग्री नहीं है वो बोल सकते हैं एग्री करना है, एग्री और नॉट, ठीक है ना. एग्री सर, एग्री सर, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे सभी को एग्री है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग. यस सर आई एग्री, तो देखो दे सेड दैट दे वुड हैव डन. अब देखो अब यहाँ पे आवर है, आवर किसका है, आवर फर्स्ट पर्सन का है ना सृजा, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव. तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सर सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे है, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है, हो गया. अरे बात समझ में, उसके बाद मैंने ये सब क्वेश्चन दिया था,
आप सभी को बनाने के लिए। अब देखो तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहता है, पास्ट टेंस में रहता है, तो हम इनडायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच में जो मेरा वर्ड रहता है, सेंटेंस रहता है, उसके टेंस में चेंजिंग कर देते हैं। राइट एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या ना? टेल मी एवरीवन, बोलिए आप सभी, यस और नो? अरे बोलो, एकदम दिमाग में है ना, एकदम प्यार प्यार से बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है? तो एकदम दिमाग में तो आ जाना चाहिए। इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया, आप लोग बोलो हाँ सर यहीं पे याद हो गया, ऐसा होना चाहिए। साकेत बोला हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसी में एक और टाइप आता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टाइप है। ये हमारा क्या है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे, पास्ट टेंस में रहे, बट जो इन्वर्टेड कोमा में टेंस रहता है, सेंटेंस रहता है, ध्यान से समझिएगा, जब हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में रहता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ को बताए, अब याद करो यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने पढ़ाया था आप सभी को, यूनिवर्सल ट्रूथ टेंस में, और मैंने चीख चीख कर बोला था कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को टेंस पे क्या करना पड़ेगा, जम के मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ बैकबोन ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का क्या है, बैकबोन है। अरे बात समझ में? तो जहां जहां टेंस वहां वहां नरेशन वॉइस। अरे बात समझ में ना? तो देखो फिर हमने यूनिवर्सल ट्रूथ नाम का किसी चीज का चर्चा किया था, सभी को याद है? थोड़ा सा बताओ तो बाबू, यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने क्या क्या बताया था, थोड़ा सा मैसेज कर दो सब। तो थोड़ा देखो, अपूर्वा ने हैंड रेस किया है, सृजा ने हैंड रेस किया है, क्या बात है, ठीक है, थोड़ा सा अपूर्वा को देखते हैं। यस अपूर्वा, आप बताए थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अर्थ कूल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड एटसेट्रा। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड। तो मैंने वहां पे कुछ ऐसा भी टर्म करके बताया था क्या, मैथमेटिकल टर्म्स को बताए, साइंटिफिक फैक्ट्स को बताए, ठीक है ना, इवन इसके साथ जो प्रोवर्ब को बताए, ओके, मैथमेटिकल फैक्ट को बताए। हाँ तो अब देखो, तो अब बस ये बात समझो, अब सभी को ही हो गया, चलो बहुत बढ़िया की बात है, इतने लोगों को एकदम दिमाग में है, दृष्टि है, अभिराज है, साकेत है, श्रेया है, वेरी गुड एवरीवन, अपूर्वा है, वेरी गुड एवरीवन। साइंटिफिक इधर अनन्या ने लिख भी दिया कि सर व्हाई शुड आई जस्ट रेज माय हैंड, यू मे सी आई हैव टेक्स्टेड इन मैसेज। अनन्या ने सारा कुछ लिख दिया, साइंटिफिक टर्म, मैथमेटिकल फैक्ट, और यहाँ पे नैतिक ने तो एग्जाम्पल भी दे दिया, वेरी गुड। प्रोवर्ब्स चेंज और नॉट, प्रोवर्ब भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अब ध्यान रखना है इस सेंटेंस को, जहां पे आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंजिंग नहीं करते हैं। देखो कैसे, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ गोज राउंड द सन, द अर्थ गोज राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है ना, लगाता है कि नहीं लगाता है। तो क्या इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और नॉट, टेल मी एवरीवन, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और नॉट, से यस और नो, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और नॉट, यस, यस सर, यस सर। तो अब कोई बोलता है इसको भगवान श्री कृष्ण ने, ओके एवरीवन, ऐसा पावर दिया, पहले हमने पढ़ा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में रहता है, इधर वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग चेंजिंग कर देते हैं, एक्सेप्ट वो टेंस किस में ना हो, तो पास्ट परफेक्ट में ना हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना हो, ओके। समीर अभी जो पढ़ा रहे हैं ना उसको ध्यान से समझो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखना है, एकदम सही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलो, तो जैसे मैंने बोला, ठीक है, अब देखो यहाँ पे द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, द अर्थ गोज, ये कौन से टेंस में, थोड़ा समय को बताओ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव, जैसे ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देखते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, राइट एवरीवन। मैसेज करने में इतना लेट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, बोलते हैं ना, एकदम माइंड में रिकॉल होना चाहिए एज आई एम टेलिंग, यस साकेत योर फास्टेस्ट, वाह क्या लिखे हो, ठीक है,
तो देखो, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा एक थर्ड रूल में, थर्ड पॉइंट जो है हमारा नरेशन में, हमने ये देखा कि कुछ जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जब हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ को बताया, मैथमेटिकल फैक्ट्स को बताया, साइंटिफिक टर्म को बताया, तो ठीक है। जैसे मैंने देखा था, टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, तो हमने क्या किया, द टीचर सेड इनवर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, बट उसके बाद द अर्थ गोज राउंड द सन, सेम टेंस, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं है। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आ रही बात समझ में? अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही सेड टू एंड टू इज फोर, दो और जो कितने होते हैं, चार होते हैं, टू एंड टू इज फोर, होता है ना, मैथमेटिकल फैक्ट है कि नहीं है? टेल मी एवरीवन, इज इट अ मैथमेटिकल फैक्ट और नॉट? ठीक है, सृजा बोलिए 22 सर, अच्छा आ जाए 22। अच्छा सृजा, सही है सही है, कोई बात नहीं, यस सर इट इज, अनन्या भी बोल रही है अपने फ्रेंड का, 2 and 2 22 होता है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आप आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको बनाओ आप लोग, चलिए इसको बनाइए, ये आप लोग बनाओ एक यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का, प्रयांश क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया, चलो आप अब ये बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ सर, ही सेड टू एंड टू इज फोर, थोड़ा बनाए थे, ही सेड, अपूर्व बना दी, वेरी गुड, टू एंड टू इज फोर, वेरी गुड, टू एंड टू इज फोर, अदिति दास वेरी गुड, ही सेड दैट टू एंड टू इज फोर ऑल्सो, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए अब देखो, कुछ जो चेंजिंग होता है ना, हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो कुछ जो वर्ड्स होता है उसमें भी चेंजिंग करते हैं, तो आप बोलोगे सर वर्ड्स में क्यों चेंजिंग करते हैं, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों? देखो होता क्या है ना, कि जब हम डायरेक्ट बोलते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक का टर्म दिखाकर बोलते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नजदीक का टर्म दिखाकर बोलते हैं, कुछ वर्ड्स में जो चेंजिंग करेंगे उसके बारे में हम सोचते हैं। अब जो कुछ वर्ड्स है उसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ओके, क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन, तो जो दूर नजदीक का ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम फार दिखाते हैं, ठीक है ना, आई बस समझ में, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाते हैं इसीलिए। तो देखो, जब भी आपको देखने को मिलेगा जनरली, नॉट इन ऑल सेंटेंस, जनरली बट मैक्सिमम में आपको चेंज करना है, ओके, अरे बस समझ में, तो थोड़ा सा इस बात को समझो सर, थोड़ा सा अपूर्वा कुछ पूछना है क्या, पूछिए अपूर्वा, वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली अपूर्वा, बता दीजिए ना, फिर से इसी को बताते हैं, यस सर, तो नेटवर्क कनेक्शन है, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को यही ना बताया, गाइस मैंने बताया ना कि अब कुछ वर्ड्स होता है उसमें भी हम लोग चेंजिंग करते हैं, जैसे कि आपने डायरेक्ट में पढ़ा होगा, दिस किसमें बदल जाता है, दैट में बदल जाता है, सिक्स सेवन्थ में आपने पढ़ा होगा, बट उस समय आप लोग को ये नहीं मालूम चला होगा कि आखिर सर क्यों चेंज हो जाता है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है ना, आखिर क्या कारण होता है कि हम लोग दिस को दैट में चेंज करते हैं। तो सिंपल तरीका में, एकदम आसान लफ्जों में अगर हम बोले इसको समझने के लिए, देन वी कैन से दैट जो नजदीक का ऑब्जेक्ट रहता है सर, हम उसे इनडायरेक्ट में दूर का ऑब्जेक्ट में दिखाते हैं, वी सो इन दैट, दैट्स व्हाई वी यूज, ओके, नजदीक के ऑब्जेक्ट को फार के ऑब्जेक्ट में दिखाने के लिए हम लोग ये सारे वर्ड्स में चेंजिंग लाते हैं। गेटिंग एवरीवन, क्या सभी को समझ में आ रही है मेरी बात यहां तक, सभी को क्लियर है, ओके, अब चलिए देखते हैं फिर से, तो हमारा दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा, ओके एवरीवन, हेयर विल चेंज इनटू देयर, हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, हेंस किस में चेंज हो जाएगा, देंस में, ओके एवरीवन, अरे बात समझ में, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में,
ओके थर्स किसमें चेंज हो जाएगा, थर्स किसमें चेंज हो जाएगा, सो में, टुडे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में, टुडे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे में, यस्टरडे किसमें चेंज हो जाएगा, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, आज पीडीएफ मैं दूंगा एंड एवरी वन हैज टू रिमेंबर दिस, सभी को ये याद करना है, ओके ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, द टू डेज बिफोर, ओके एवरी वन, टुमारो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है, अ ईयर, अ ईयर बिफोर में, द प्रीवियस ईयर में, आई बात समझ में, फिर से देखते हैं एक बार, दिस किस में, दैट में चेंज होगा, दिस बोलना है ठीक है ना, वहां पर बोलो ठीक है, ऐसा लगे यू आर टॉकिंग विथ मी, आप सभी मेरे से बात कर रहे हो, ओके ओके एवरीवन, देखो दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में, अगर नेटवर्क ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं अभी वीडियो को ऑफ कर देता हूं, शायद सभी को क्लियरली सुनाई दे, क्या अब सभी को क्लियरली आवाज सुनाई दे रहा है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऑफ कर दे रहा हूँ, चलो देखो, तो दिस आपका दैट में चेंज हो जाएगा, दिस दोज में चेंज हो जाएगा, ओके हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, हेंस देंस में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में, थस सो में, टुडे दैट डे में, एक बात और, आप जो भी ये वर्ड देख रहे हो ना दिस, ये मैक्सिमम का आप लोग हम जानते हैं, आई नो दैट यू ऑल नो द वर्ड मीनिंग्स ठीक है, बट यहाँ पे सम अनफैमिलियर वर्ड्स है, दिस इज योर वर्ड, आप लोग इसके बगल में जब आप लोग इसका क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको जब फेयर कीजिएगा तो बगल में आप लोग को इसका हिंदी मीनिंग में लिख लेना है सभी को, ओके एवरीवन, तो अब देखो हमने जो पढ़ा अब उसका हम लोग यूज करेंगे, अभी तक जो चीज भी हम लोग पढ़े हैं आप सबका यूज करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे ठीक है ना, अरे बात समझ में ना, नखत दिस इज योर होमवर्क, आई हैव गिवन ऑलरेडी, मैंने आप सभी को दिया है, ओके अरे बात समझ में ना, मैंने आप सभी को ये होमवर्क दिया है, चले अब देखते हैं हम लोग ठीक है, ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, अब देखो यहां पे क्वेश्चन, She said, I am glad to be here this evening. Okay? अब देखो She said, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट पर्सन मेरा, आगे बढ़ते हैं ठीक है, अब यहाँ पे हेयर है ठीक है, ये सब सारा कुछ चेंज होगा, दिस है ये भी मेरा चेंज होगा, अब चलो बनाते हैं, She said, inverted comma हटा, we have used here that, she said that, first person according to subject, she, am किसमें बदल जाता है, इधर past था तो am is are किसमें बदल जाता है, am is और are was word में चेंज हो जाता है, अरे बस समझ में, तो she was glad to be here किसमें बदल गया, there, this किसमें चेंज हो गया, that और evening, अरे बस समझ में, she said that she was glad to be there that evening, okay everyone, is it clear to everyone, क्या सभी कोई को क्लियर है ये, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, he said I am now speaking to this boy. He said, I am now speaking to this boy. He said, I am now speaking to this boy. अब इसको बनाते हैं और देखते हैं. He said, inverted comma hata. After that, we have used here. हमने क्या use किया है यहाँ पे? That को first person according to subject. Okay? Am किसमें बदल गया? क्योंकि ये तो past है. तो present वाला किसमें बदल जाता है? Past में बदल जाता है. प्यारे बच्चों, मैंने बताया था ना? ठीक है? तो am किसमें बदल गया? Was में बदल गया. Now That will change into then speaking to this तो किसमें जाएगा to that boy क्या ध्यान से देखिए इस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व किया है क्या कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है क्या देखिए देखिए ध्यान से देखिए आप लोग मेरे को तो दिख गया आप सभी बोलो I have seen that. मैं देख चुका हूं अब आप सभी को बोलना है सर नाउ कहां कोई प्रॉब्लम नहीं है सही है
ओके कोई रॉन्ग नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है. ओके एवरीवन वेरी गुड सर. नो ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, प्लस इसको देखो और बनाने की कोशिश करो. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, चलो बनाइए. तो इसको आप लोग क्विक योर सेल्फ विथ नोटबुक एंड पेन. पहले आप लोग इसको नोटबुक पे बनाइएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू टेल मी. एक बच्चा कौन गया, कौन है जिसका, देखो यही कैपेसिटी होता है स्टडी का. थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं. ठीक है ना, ये जो होता है कैपेसिटी होता है बच्चों के स्टडी का, इस पर हम लोग बात करते हैं. देखो यही डिफरेंस होता है ईच एंड एवरी वन. कुछ बोलते हैं कि कोई इंटेलिजेंट हो जाता है, तो क्या रीजन होता है उनके इंटेलिजेंट होने का, इसकी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं और समझते हैं. थोड़ा सा, थोड़ा आपका समय लेंगे. ओके, तो वो होता है ना, उनमें कैपेबिलिटी होती है पढ़ने की. जिस टाइप से आप देखते हो, आप जब ब्रेड रोटी इट मीन्स खाते हो, तो ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना खा सकते हो. ओके, किसी की आदत होती है, ठीक है ना, वो टू ब्रेड्स के बाद वो खाना नहीं, खा नहीं पाता है. वैसे ही आपकी सिटिंग कैपेसिटी होता है, स्टडिंग कैपेसिटी होता है, पढ़ने का कैपेसिटी होता है. ठीक है, कुछ बच्चों का होता है 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं. दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रूथ. ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो ये जो आपका चल रहा है कॉम्पिटिशन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड टफ कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन. ओके, तो यहाँ पे ये तरीका से कंपटीशन चल रहा है. गेटिंग एवरीवन? ठीक है, यस विजय, कंट्रोल ही नहीं होता है जो कि गलत है इन लोगों से. ठीक है ना, अब क्लास करो ना. इफ माय फ्रेंड्स कैन हैव स्टडी फॉर 1.5 आवर, देन व्हाई कैन आई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकता. ओके, ये आप में रहना चाहिए, और जब ये आप में रहेगा ना, डेफिनेटली यू विल डू. आप इसी तरीके से कर सकते हो और बहुत अच्छा आप अपना दे सकते हो. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. ही सेड आई विल डू इट टुमारो, ही सेड आई विल डू इट टुमारो. तो मैंने इधर देखा कि रिपोर्टिंग, पहले मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ड्स को देखा, तो वो मेरा क्या है, तो पास्ट टेंस में. अब ये मेरे को समझ में आ गया कि ये तो सेंटेंस मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं दिखा रहा, जो रिपोर्टेड स्पीच में है. क्या शो कर रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ को? ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को. क्या ये शो कर रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ को? टेल मी एवरीवन, क्या शो कर रहा है? इज इट शोइंग? नो, नहीं शो कर रहा है ना. वेरी गुड, नहीं शो कर रहा है, बहुत अच्छे की बात है, नहीं शो कर रहा है. यस, तो यानी कि ये जो व्हील है इसमें तो कुछ चेंजिंग आएगा, इसको तो हम लोग चेंज करेंगे. करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, टेल मी एवरीवन. फिर आगे बढ़ते हैं. मैंने देखा टुमारो, क्या टुमारो में चेंज होगा? अभी हमने पढ़ा है टुमारो को किस में चेंज कर देते हैं, द फॉलोइंग डे या द इन द नेक्स्ट डे, यही इसी में चेंज होता है ना, राइट? तो चलो अब इसको बनाते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन इसको सही बनाया है. ही सेड, सेड का सेड ही होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ही सेड दैट ही, अब देखो ही के साथ क्या आपका लग गया, आई के साथ यहाँ पे विल है, तो ही के साथ भी उड ही होगा. ही वुड डू इट इन द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. यस, वेरी गुड एवरीवन, सही है, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए. ही सेड इट इज नॉट सो फॉगी टुडे एज इट वाज यस्टरडे. अब देखिएगा ये सेंटेंस थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइए. आपने सभी कोई बनाइए, थोड़ा सा ध्यान से बनाइए. डेफिनेटली यू आर एबल टू मेक इट, यू आर एबल टू मेक इट. टुडे विल चेंज इनटू दैट डे ना, टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है. देखो श्रेया ने सबसे पहले बनाया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है. ही सेड दैट इट वाज नॉट सो फॉगी दैट डे, वेरी गुड, एज इट हैड बीन प्रीवियस डे, वेरी गुड.
गलत है कुसुम आपका, आगे का नहीं बन पा रहा है, यही गड़बड़ है ना श्रेया, वेरी गुड। रजनीश आपका भी रॉन्ग है, सर प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है उसको हम मिलकर बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ओके। तो एक बात मेरे को बताओ, अब ध्यान से देखो, तुम लोग को लगेगा कि ओ सर ये कैसे मिस्टेक हो गया हम सभी से, ठीक है ना। अब चलो अब स्टॉप करो मैसेज करना, अब स्टॉप टेक्सटिंग मैसेज, नाउ फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके एवरीवन। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को समझने का, हम लोग कंप्लीटली इस क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। अब देखो दृष्टि गड़बड़ हो गया है, देखो गड़बड़ कहाँ पे हुआ है उस चीज को समझो, थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगाओ सर इस क्वेश्चन को। He said, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ड किसमें है, पास्ट टेंस में, यानी इधर जो प्रेजेंट में होगा वो पास्ट में बदलेगा, जो ऑलरेडी पास्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। यहां तक की कहानी समझ में आई, फिर से मैं बोलता हूं, ये रिपोर्टिंग वर्ड मेरा किसमें है, तो पास्ट टेंस में है, ओके एवरीवन, इज इट इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में है ना, इट इज इन पास्ट टेंस, ओके। तो इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा देखते हैं, चलिए भाई। तो इट इज नॉट, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, क्या इसमें और कोई वर्ब है, यानी कि ये प्रेजेंट को बता रहा है। इट इज नॉट सो फॉगी टूडे एज इट वॉज, यहाँ पे पास्ट को बता रहा है, यानी प्रेजेंट तो पास्ट टेंस में बदल जाएगा क्योंकि ये सेड है, ये प्रेजेंट इस के जगह पे वॉज का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में बनाते समय, और यहाँ पे वॉज के जगह पे हैड का यूज करेंगे, अरे बस समझे ना, हैड का यूज करेंगे, हैड का, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं, ठीक है ठीक है। अब चलिए इट तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज होगा ही नहीं इसका, अब चलिए इसको हम बनाते हैं और देखते हैं। He said that, अब देखो इट यहाँ पे भी थर्ड पर्सन तो नो चेंज, इट वॉज नॉट सो फॉगी, ठीक है ना, टूडे किस में बदल जाता है, दैट डे में, फॉगी दैट डे एज इट हैड बीन, इट हैड बीन यस्टरडे, ओके एवरीवन, इट हैड बीन यस्टरडे, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, तो यहां पे देख रहे हो ना ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यहाँ पे बिन का यूज करना समीर, कहीं कहीं पे होता है जहां पे टाइम को डिलीट करें, ठीक है ना, इसलिए लिखिए। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ही सेड सी डाइड अ ईयर अगो, ही सेड सी डाइड अ ईयर अगो, अनन्या वेरी गुड, वेरी गुड अनन्या, बहुत अच्छा। चलो ये अब आप लोग का लास्ट वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम लोग चर्चा करते हैं, सी एवरीवन केयरफुली, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले थोड़ा सा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस, वो कथन जो हम सभी से ना प्रश्न पूछता है, इन हिंदी वी कैन से दैट, ओके, वो सेंटेंस जो हम सभी से प्रश्न पूछता है, मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो जनरली वहां पे भी मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग को इंट्रोगेटिव का दो सेंस का यूज करना है, एक क्या, तो यस नो इंट्रोगेटिव और एक WH फैमिली, मैंने बताया था ना। यस नो इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जिसका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है, वेदर वी आर गेटिंग आंसर ऑफ यस और नो, दैट इज कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव, जहां पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, और एक जो होता है WH फैमिली होता है, ओके एवरीवन, एक क्या होता है जो हमारा WH फैमिली होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव को देखेंगे, ओके एवरीवन, यस नो इंट्रोगेटिव को थोड़ा सा देखो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें से कौन कौन सा, इसको फर्स्ट सेकेंड दैट इज योर थर्ड, ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन विच वन इज हियर,
यस नो इंट्रोगेटिव एंड विच वन इज हियर डब्ल्यूएच वर्ड्स, पहले मेरे को ये क्लियर करो सभी कोई, देखते हैं किसके आंसर पहले आता है। साकेत ने बता दिया फर्स्ट एंड सेकेंड, यस नो एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एच, वाह क्या बात है प्रज्ञा। समीर, अदिति, नखत, फर्स्ट नो फर्स्ट एंड सेकेंड, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तब देखो सबसे पहले ना हम लोग यस नो को क्लियर करेंगे, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, यस नो को पढ़ते हैं। ओके एवरीवन, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो यस नो को पढ़ेंगे। जो हम सभी अभी 40 हैं और हम चाहते हैं कि एट द लास्ट तक हम लोग 40 ही रहें, ठीक है ना, अरे बात समझ में। सो बी एनर्जेटिक, थोड़ा सा पढ़ना है, इंट्रोगेटिव को कंप्लीट करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, और किसको कंप्लीट करना है, इंट्रोगेटिव को। इससे क्वेश्चन आता है इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, इसी से आपके बोर्ड तक के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा क्लियर एकदम रहना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अरे बात समझ में। देखो सबसे पहले ना इसमें बनाने में इनडायरेक्ट में हम लोग एक चीज सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस कैसे बना सकते हो। जैसे डू यू लाइक बनाना, अगर मेरे को इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना हो तो मैं ये बनाऊंगा यू लाइक बनाना, ठीक है, यू लाइक बनाना, तुम्हें बनाना क्या है, पसंद है। इंट्रोगेटिव में क्या बना सकते हो, डू यू लाइक बनाना, ठीक है ना। यस नो जब बनाते हो तो यही बनाओगे ना, या जब इसको डब्ल्यूएच में बनाओगे हाउ डू यू लाइक बनाना, ये बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे माइंड में ये सेटल होना चाहिए, व्हेन एवर वी सी, जब कभी भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, वेयर वी हैव टू चेंज इट, हमें इसको किस में चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो असर्टिव सेंटेंस में। अरे बात समझ में, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दृष्टि समझ में आ रही है मेरी बात, या हाईजेक ऊपर से आ रहा है ना, दृष्टि समझ में, शुभम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नो सर लिखियो, शुभम समझ में आ रहा है ना, हाँ सारा कुछ आ रहा है, यस बहुत अच्छे से, धन्यवाद साकेत, वेरी गुड वेरी गुड, आ रहा है सर, आना भी चाहिए, धीरे धीरे आएगा, बट इतना मेरा मेहनत कब जाके फ्रूटफुल होगा, जब आप लोग इसको दो तीन बार रिवाइज करो एकदम, लास्ट डे ना मैं एक दिन में आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा नरेशन को, ठीक है, लास्ट डे में मैं एक दिन में कवर करके दिखाऊंगा, और किस तरीके से सारा कुछ अपने माइंड में रखना है नरेशन को, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा सारा चीज, ठीक है ना, अभी पढ़ो इसको समझो, और जब सारा कंप्लीट करने के बाद आप लोग मेरे को बोलना कि सर एक दिन नरेशन का रखिए, और आपने हमें बोला था कि सारा कुछ मैं समझा दूंगा, तो मैं उस दिन आप लोगों को एक क्लास में सारा कुछ पढ़ाऊंगा नरेशन को, ठीक है, और मैं बताऊंगा कैसे और अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, बट ये नहीं कि उसी समय याद करूंगा, अभी इसको दो तीन बार पढ़ो, खूब पढ़ो, जब तक कि ये नरेशन तुम्हारा अपना ना हो जाए तब तक इसे पढ़ो। अरे बात समझ में ना, चलिए तो देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, अब देखिए, देखो यस नो इंट्रोगेटिव जो पढ़ते हैं ना, तो सेम टू इसमें चेंज करेंगे आस्क में, और इसको हम लोग इंक्वायर्ड में भी चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड के साथ कहाँ पे ऑफ लगेगा और कहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा आई विल टेल यू लेटर, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, बस ये समझो कि आस्क की जगह पे, ठीक है ना, आस्क जहाँ जहाँ पे आप इसको उसके जगह पे इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ और इंक्वायर्ड का भी, ठीक है ना, इंक्वायर्ड का भी, ठीक है, तो हम बताएंगे आपको। अब देखो जैसे कि हम लोग इनवर्टेड कॉमा को हटाते थे और वी हम लोग क्या किसका यूज करते थे, तो हम लोग दैट का यूज करते थे, दैट कंजक्शन का, बट यहाँ पे क्या है, आफ्टर इनवर्टेड कॉमा यस नो में, याद रखना यस नो में, ठीक है ना, यस नो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो केवल दिमाग में माइंड में यस नो आना चाहिए और कुछ भी नहीं, इधर उधर का कोई बात भी नहीं, अरे बस समझ में ना, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में नहीं सोचना, अभी हम लोग यस नो के बारे में बात कर रहे हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं, ठीक है, चेंज द टेंस एज यूजुअल, और जैसे हम लोग पिछले, ठीक है ना, क्वेश्चन में टेंस का चेंज करते थे, ठीक है, वैसे ही हम लोग चेंज करेंगे। तो आगे यस नो में इंट्रोगेटिव में समझ में आया, सेट को किस में चेंज कर देते हैं बाबू,
तो ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो केवल इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। ये समझ लो, मैं फिर से बताऊंगा इस बात को। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहां पे इंक्वायर्ड में, और सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इंक्वायर्ड ऑफ में। ओके एवरीवन, तो हम आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट कोमा को हटाएं इफ या वेदर का यूज किए। ओके और टेंस का चेंज एज यूजुअल करेंगे हम लोग। यानी तीन चीज को माइंड में रखना है और क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है ना? क्या क्या यस नो इंटरोगेटिव में? तो ये जो होगा वो होगा हमारा कि सेड आस्क्ड में बदल जाता है, रिमूव इन्वर्टेड कोमा एंड यूज इफ और वेदर। वहां पे आपको किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है या वेदर का यूज करना है, ठीक है? और चेंज द टेंस एज यूजुअल। टेंस का चेंजिंग आप कैसे कीजिए, तो एज यूजुअल करते हो वैसे करो। आई होप आप लोगों को क्लास में याद हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो, ही सेड टू मी, मैंने बोला ही सेड टू मी, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पर मी है, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिल गया हमें, वाह शाबाश, क्या बात है। डू यू लव मी, तो यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। पहले इस बात को समझो, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब चलो इसको बनाते हैं। तो सी आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा, आप इफ भी लिख सकते हो, आपकी अगर इच्छा करे तो वेदर को भी लिख देना। ओके, तो इफ लिख सकते हो या वेदर भी लिख सकते हो। ओके एवरीवन, अपने इफ लिखा या वेदर लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? इफ लिखा या वेदर लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? तो इफ हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये आपका यू, ये क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू किस में बदल जाएगा, आई में, किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, क्योंकि देखो यू यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो आई, यहाँ पे मी भी किसके तरह यूज होगा, सब्जेक्ट की तरह आई। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, सी आस्क्ड मी इफ आई, टेल मी एवरीवन, बताइए आप सभी मेरे को, क्या सभी को समझ में आया, टेल मी, सभी को समझ में आया ना ये आई में, क्या किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम, मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम होता है, मैं आपकी जगह पे रहता तो मेरे को प्रॉब्लम होता है। अब आप लोग या तो इंटेलिजेंट हो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम है सीज, आप बोलो अगर प्रॉब्लम है तो, आई में प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे आई क्यों आया, यहाँ पे यू है और यहाँ पे तो मी है, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना कि सर आई इफ के बाद मी भी तो हो सकता है ना, मी लव्ड हर, प्रॉब्लम इन आई। अब देखो बहुत अच्छे से बच्चा, बहुत अच्छा, ठीक है ना? इतना पूछने के बाद आपने बोल ही दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा इस सेंटेंस को और अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं इस सेंटेंस का। ओके एवरीवन, डू यू लव मी, तो देखो डू यू लव मी, तो जिस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, ठीक है, तो जिस क्वेश्चन का आंसर क्या और किससे मिले, ठीक है ना, तुम किससे प्यार करते हो, ठीक है ना, तो मी मुझे, ठीक है ना, क्या या किससे मिले, व्हाट या हुम से मिले, जो हम लोग बोलते हैं क्या या किससे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका आंसर यहाँ पे मिला है ना, मी, क्या या किससे, तुम किसे प्यार करते हो, किससे, तो मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के पहले ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, अरे बात समझ में ना, तो ये सब्जेक्ट, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये भी फर्स्ट, देखो अब यू क्या है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट भी कहाँ पे, रिपोर्टेड वर्ब में। थोड़ी सा मेरी बात को ध्यान से समझना, पोछ पोछ होगा बट जो समझ गया वो बारूद है यहाँ पर, ठीक है ना, समझना है। तो यू मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट, अरे बात समझ में ना, यू सिंपली समझो सब्जेक्ट, तो जब ये मी चेंज होगा तो ये भी सब्जेक्ट आएगा, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना, आई भी सब्जेक्ट होगा लव, और देखो ये मेरा क्या है, मी फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी मेरा क्या है, मी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने बताया जिसका क्वेश्चन का आंसर क्या और किससे मिले, ठीक है, ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को क्लास सिक्स और फिफ्थ में पढ़ना है, अरे बात समझ में ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट हर्ड हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, देखो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ये डू हटाया और इसको अफर्मेटिव बना दिया, यू लव मी हो गया। अब देखो मैं इसको छिपा देता हूँ, सिंपल समझो, यहाँ जो मेरा कर्सर दिख रहा है ना, डू मैंने छिपा दिया, ठीक है, यू लव मी, क्वेश्चन क्या मैं समझूंगा कि यू लव मी, ओके, और मैंने चेंज कर दिया। बहुत ही सिंपल है यस नो को बनाना, हाँ या ना, सभी कोई बोलो, स्पीक क्लियरली एवरीवन,
Speak clearly. Is it easy or not? Is it easy or not? ये हुई था बात 41. Very good. Yes sir. Yes sir. Very good. अब चलो इस question को देखते हैं. एक और question को. Now understood. Easy. चलो इस question को देखते हैं. कोई नहीं. सारा question easy है. मैंने क्या बोला? They said to me, "Do we not help you?" चलो इस do को समझो कि नहीं है. ये रखना माइंड में. जैसे ही आपने यस नो, ये यस नो है ना, देखने से मालूम चल रहा है. अगर हम इसकी चर्चा करेंगे, डू वी नॉट हेल्प यू, तो इसका आंसर किस में दोगे, हाँ या ना में दोगे? मैंने बताया था ना, जिसका आंसर आप हाँ या ना में दोगे, दैट इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन. ठीक है, जैसे डू वी नॉट हेल्प यू, क्या हमने आपकी मदद नहीं की? तो की होगी तो हाँ, नहीं की होगी तो ना. देख रहा हूँ ना, यस नो क्वेश्चन है. अब चलो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो पहले हम ये समझते हैं यहाँ पे डू नहीं. चलो इसको बनाते हैं. He asked me. चलो इन्वर्टेड कॉमा हटा, हमने क्या यूज किया? इफ का यूज किया. हमने किसका यूज किया? तो इफ का यूज किया अक्सर. ओके, अब देखो वी मेरा क्या है, पहले मेरे को बताओ वी मेरा क्या है, टेल मी एवरीवन. यहाँ पे वी और यू यही मेन खेल है समझने का. वी और यू मेरे को बताओ, वी मेरा यहाँ पे क्या है? लेट अस सी दैट फर्स्ट पर्सन. वेरी गुड समीर, क्या बात है, आप सबसे पहले रिप्लाई कर रहे हो आज को. रजनीश, पूजा, वाह. सृजा कहाँ हो तुम? यहाँ पे सृजा. दृष्टि आप बताओ, फर्स्ट पर्सन. और यू दृष्टि, यू क्या आपका, यू क्या आपका, सेकंड पर्सन. ओके, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं. ओके एवरीवन, तो देखो दे सेड टू मी, क्या होगा? दे आस्क्ड मी. इनवर्टेड कॉमा हटा, हमने यहाँ पे यूज किया इफ. मैंने क्या बोला था? डू को हटा दो. एक ट्रिक रखो, जनरली क्वेश्चन में यही होता है, डू को हटाओ. मैंने हटा दिया, डू से मेरे को कोई मतलब नहीं. इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ का यूज किया. आपकी इच्छा करे तो वेदर भी यूज कर सकते हो. आप बोलते कि सर केवल आप इफ इफ लिखे हो, ये आपके माइंड में आ रहा होगा. कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर केवल आपने इफ लिखा है, आपने कहा कि इफ और वेदर में चेंज कर सकते हैं, बट आपने केवल इफ लिखा. तो मेरे प्यारे, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए यहाँ पर इफ लिखा क्योंकि वेदर लिखूंगा तो ज्यादा टेक्स्टिंग करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा. ठीक है, तो ये आपकी अंतर आत्मा अगर आपको बोले कि नहीं मुझे इफ की जगह पे वेदर लिखना है, तो आप फ्री हैं. ठीक है, आर्टिकल 19 का यूज कीजिएगा आप लोग. आर्टिकल 19 पढ़े, आर्टिकल 19 ना, उसी का यहाँ पर यूज करना है. ठीक है, नहीं नहीं सृजा, यहाँ पे इफ का मतलब ये नहीं. ठीक है ना, बस जनरली समझो, ज्यादा हो कुछ नहीं करो इसको. इफ और वेदर का यूज करेंगे, ठीक है, बस इतना समझो, इफ या वेदर. ठीक है ना, ये आगे बताया जाएगा. आर्टिकल 19, यस, ठीक है ना, तो आप यूज करो. चलो इसको बनाते हैं. तो दे आस्क्ड मी, इनवर्टेड कॉमा हटा, वी हैव यूज हियर इफ. हमने किसका यूज किया? तो इफ का यूज किया. अरे बस समझ में ना, हमने किसका यूज किया? तो इफ का. ओके, तो हमने यहाँ पे यूज किया इफ का. Do मैंने बताया हटाओ, यहाँ पे वी क्या आपका, वैसे ही फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दे के अकॉर्डिंग. बट देखो इधर सेड है और यहाँ पे नॉट की बात हो रही है. निगेटिव में जब हम पास्ट में बनाते हैं तो निगेटिव में किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना. तो दे डिड नॉट हेल्प मी. क्या सभी को क्लियर हुआ? यस नो, बताइए मेरे को. आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा. निगेटिव में जानते हो ना, याद करो यहाँ पे देखो, डू वी नॉट हेल्प यू, तो जब इसको हम पास्ट में बनाएंगे तो किसमें होगा? डिड में होगा ना. तो डिड के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में. याद करो सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा साकेत, मैं इसका प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, वेट करो. ठीक है, थोड़ा सा कंप्लीट होने दो, इंट्रोगेटिव इम्परेटिव कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद एक सेशन लेकर आऊंगा और हम लोग जबरदस्त क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे. और सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है. हाँ समीर, अब देखो, अब डब्ल्यू एच फैमिली की बात करते हैं.
देखो यहाँ पे सेड किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। वी डू नॉट यूज इफ वेदर एंड दैट कंजक्शन इन दिस सेंटेंस। तो आप पूछोगे सर क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इफ वेदर, सृजा आप भी समझ लो जो मैंने नहीं बताता उस समय आपको कि सर क्या यूज है। तो इफ वेदर कंजक्शन की तरह यूज होता है, ठीक है ना, ना ही हम इफ का यूज करेंगे, ना ही वेदर का यूज करेंगे, और ना ही दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। तो आप पूछोगे सर क्यों यूज नहीं करेंगे, इसलिए यूज नहीं करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्योंकि वहां पे आप देखोगे जो है आपका व्हाट है, हु है, वेयर है, हाउ है, ये ऑलरेडी कंजक्शन की तरह यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। अरे बात समझ में ना, इसीलिए हम लोग किसी और दूसरे कंजक्शन का इंपॉर्टेंट कमा को हटाकर यूज नहीं करते। क्वेश्चन देखेंगे और इजली समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला द पुलिस सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, देख रहे हो ना यहाँ पे वेयर, तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ना, तो इसके जगह पे कोई भी ना ही इफ का यूज करेंगे कंजक्शन का, ना ही दैट का, और ना ही वेदर का। क्यों नहीं करेंगे फिर से समझिएगा, क्योंकि देख रहे हो ना ये वेयर ये खुद एक कंजक्शन की तरह रोल प्ले करता है। वेयर क्या करता है, खुद एक कंजक्शन की तरह रोल प्ले करता है, इसीलिए हम लोग नहीं यूज करते हैं। ओके बहुत इजी है, हाँ अदिति बहुत इजी है, ठीक है। द पुलिस सेड टू अस, अब देखो इसको देखते हैं, द पुलिस आस्क्ड, ओके यहाँ पे ठीक है अस छूट गया, अस लगा लेना यहाँ पे मिसप्रिंट है अस। द पुलिस आस्क्ड अस, अब देखो वेयर का वेयर रहेगा ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है यहाँ तक इजी। अच्छा वेयर को अगर हम छुपा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, वेयर को मैंने छुपा दिया, उसके बाद सेंटेंस पढ़ो तो आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ये कौन सा सेंटेंस का साउंड दे रहा है मेरे को बताओ तो, क्या ये यस नो बन गया, क्या ये यस नो बन गया, टेल मी एवरीवन। तो देखो जनरली सेंटेंस को ऐसे आप बना सकते हो, यस नो बन गया ना, तो यस नो में जैसे मैंने बताया था वैसे ही बना दो चेंज करके, यस नो को अफर्मेटिव में चेंज कर दो और बना दो, तो यू आर गोइंग हो जाएगा। तो देखो वेयर हो गया, वेयर के बाद यू, सेकंड पर्सन है ना, यू आर गोइंग, समझना दिमाग में यही है, सेकंड पर्सन यू, राइट एवरीवन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अस है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो वी बनाना पड़ेगा, इसको वी हो गया। अब देखो आर किस में चेंज हो जाएगा, वर में, और गोइंग, वी वर गोइंग। क्या ये क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी एवरीवन, आया क्लियरली, बहुत अच्छे से। चलो इस क्वेश्चन को देखो, द टीचर सेड अमृत व्हाई आर यू शाउटिंग, ओके टीचर ने अमृत से बोला गुस्सा करके कि अमृत क्यों शाउट कर रहे हो बताओ, ठीक है। तो देखो द टीचर आस्क्ड अमृत, ठीक है देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, देख लेना यहाँ पे आप क्या कर लेना, वाई लगा लेना, ठीक है ना, वाई, ओके एवरीवन, वाई गेटिंग वाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वाई यहाँ पे हो जाएगा ना वाई। अब देखो आर यू शाउटिंग क्या हो जाता है, इसको मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पे वाई को हटा दो, उसके बाद अब सेंटेंस क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना मेरी वर्ड को, इसमें डिफिकल्टीज होता है आज जाकर इस पे क्वेश्चन को बनाना, इसमें बहुत लोग फंसते हैं, अच्छे अच्छे लोग फंसते हैं इस क्वेश्चन में, यस नो इंट्रोगेटिव में, सॉरी जो होता है ना डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में मैक्सिमम लोग फंसते हैं। वाई तक मेरा हो गया वाई, अब देखो तो आर यू शाउटिंग, ये फिर मेरा क्या हो गया, यस नो इंट्रोगेटिव की तरह साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, इसको हम करते हैं यू, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अमृत के अकॉर्डिंग, अमृत क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हो जाएगा ना ही, और आर किस में बदल जाएगा क्योंकि सेड है, तो आर मेरा पास्ट में बदल जाएगा, तो ही वाज शाउटिंग, वाई ही वाज शाउटिंग। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी, क्या सभी को इनका क्लियर हुआ, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, आज 41 अभी तक बने हुए हैं, क्या बात है, क्या जोश है, वेरी गुड, सैल्यूट टू एवरीवन, ठीक है। इवन सृजा के लिए तो क्लैपिंग भी होना चाहिए, आई थिंक उसको आज फीवर था, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज अटेंडिंग द क्लास, वेरी गुड सृजा, नहीं जब आप इसको क्वेश्चन को बना लिया ना, देखो यहाँ पे लग रहा है इनडायरेक्ट में नहीं लगेगा, ठीक है इनडायरेक्ट में नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो यूसेज ऑफ, देखो मैंने बताया था ना इंक्वायर्ड ऑफ और इंक्वायर्ड का यूज,
बात समझ में, ये लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लो। यूसेज ऑफ इंक्वायर्ड ऑफ और इंक्वायर्ड का यूज हम लोग कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जहां पे आप आस्क का यूज करते हो इनडायरेक्ट में, आस्क का मैंने सेट नहीं लिखा डायरेक्ट, समझो आस्क का यहाँ पे आप यूज करते हो, वहां पे आप इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो देखो इंक्वायर्ड के बाद आप ऑफ का यूज कब करोगे, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, एक क्वेश्चन रहता है ठीक है, ये मैक्सिमम का इसमें प्रॉब्लम होता है श्रेया अंडरस्टैंड, ओके मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है। इंक्वायर्ड के बाद ऑफ रहेगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। आस्क को हम इंक्वायर्ड में भी बना सकते हैं बट इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। इट मीन सिंपल सी बात है, जहां पे ऑब्जेक्ट जहां पे ऑफ वहां पे ऑब्जेक्ट रहना पड़ेगा, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं वहां पे ऑफ नहीं। इट मीन्स ये दोनों क्या है, फ्रेंड है, बोलते हैं जहां पे तुम वहां पर मैं, यानी ऑफ बोलता है ऑब्जेक्ट से कि जहां पे तुम रहोगे वहां पे मैं रहूंगा और जहां पे तुम नहीं रहोगे तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड। अब देखो ही सेड टू मी आर यू बिजी, ही सेड टू मी आर यू बिजी, तो हम इसको बना सकते हैं ना, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज बिजी, या फर्स्ट टर्म के तरीके से जैसे मैंने बताया। थोड़ा सा देखते हैं इसको क्वेश्चन को, ही सेड टू मी, तो देखो ही सेड किस में बदल जाता है, आस्क में बदल जाता है ना, यस नो इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मैंने जैसे बताया टू हटा, मी लग गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ का यूज किया क्योंकि यस नो इंट्रोगेटिव है। आर यू बिजी को मैंने क्या बोला था, इसको असर्टिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, यू आर बिजी, यही बनाओगे ना और कुछ नहीं बनाओगे। तो देखो यू क्या है, मेरा सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आई, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, आई वॉज बिजी। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं ना, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वॉज बिजी। इंक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना, इस बात को बोलो सब, हाँ या ना मैं बोलो एक बार तो सबको, क्योंकि यही मेन चीज है। सारा मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया आई हूँ, ओके देख रहे हो ना। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वॉज बिजी, इफ आई वॉज बिजी, ही सेड इज द ट्रेन लेट, ही सेड इज द ट्रेन लेट, तो हम इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही इंक्वायर्ड। अब देख रहे हो क्या इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है ऑब्जेक्ट इसमें, वेरी गुड साकेत ने मेरे माइंड को पहले ही एडिट कर लिया, क्या बात है साकेत, वाह नहीं है ठीक है। तो इफ द ट्रेन वॉज लेट, अब चलो इसको थोड़ा सा मैंने एक ही टर्म से बनाया, अब इसको आस्क से भी बना सकते हो दूसरे वाले क्वेश्चन को, थोड़ा आप लोग बना के दिखाओ, बनाओ तो आप लोग थोड़ा सा बनाइए आप लोग, बनाइए आप सभी बनाइए। वेटिंग ही आस्क इफ द ट्रेन वॉज लेट, क्या बात है श्रेया, श्रेया सबसे पहले बता रही है, न्यू स्टूडेंट गाइज, देख लो साकेत, श्रीजा वेयर आर यू, दृष्टि, अपूर्वा इज ऑल, फातिमा कुलसुम, फातिमा लेट, वेरी गुड एवरीवन। चलिए क्या आज के क्लास में कहीं पे भी किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी टेल मी एवरीवन, इज देयर एनीवन जिसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, नो डाउट नॉट येट सर, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए क्या आज के क्लास को इतना ही रखते हैं गाइज, व्हाट इज योर होमवर्क। अब देखिए आप लोग ना जनरली ऑक्सफोर्ड को उठाओ, लूसेंट को उठाओ और बनाना स्टार्ट करो, एज वेल एज यू हैव टू मेक फेयर, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, सुशांत थैंक यू, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, यू ऑल आर जीनियस, आप सभी बहुत अच्छे हो पढ़ने में, जो आप लोग इतने अच्छे तरीके से एक ही बार में बताओ और समझ जाते हो, वेरी गुड एवरीवन। तो चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक्स एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, बिकॉज अभी भी 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने क्लास को लास्ट तक देखा, आई होप आप लोगों ने काफी ज्यादा इंजॉय भी किया होगा और सारा चीज आप सभी को समझ में आया है, ठीक है। अभी भी अगर किसी को लगता है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो, यू मे आस्क।
पूछिए अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज क्लास को इतना ही रखते हैं। अब आप लोग पूजा अक्षर सर मैंने चैट पर क्वेश्चन पूछा था सर, सर टेंस का था। अच्छा हम बता देंगे आपको, ठीक है टेंस का है तो। नरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो किसी को। समीर आप ना ये मार्टिन का, रेन एंड मार्टिन का बुक बनाते हो, उससे पहले ना आप ठीक है लूसेंट बनाओ, ऑक्सफोर्ड बनाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अरे बात समझ में, ठीक है एक ही बात को पर डे ना पूछा करो सर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।